सात दिन में दो बड़ी फिल्में, खान्स को कड़ी टक्कर देने का इरादा। रणबीर कपूर ने सात दिनों के अंदर तो बड़ी फिल्में शमशेरा और अजय देवगन के साथ अनाम फिल्म साइन कर ली है। इससे बॉलीवुड में हलचल है। माना जा रहा है कि रणबीर कपूर अब अपने करियर का नए सिरे से प्लान कर रहे हैं। वे ऐसी फिल्म कर रहे हैं जिन्हें ज्यादा से ज्यादा दर्शक मिले ताकि वे बड़े स्टार बने। रणबीर कपूर टैलेंटेड हैं, इस बात पर किसी को शक नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह की फिल्में पिछले दिनों की हैं उससे उनके चयन पर सवाल उठ गए हैं। खुद उनके पिता ऋषि कपूर को उनके फिल्मों का चुनाव पसंद नहीं था। बॉम्बे वेल वेट, बेशरम, रॉय और जगा जासूस जैसी फिल्मों ने रणबीर को पीछे कर दिया। वरुण धवन और रणवीर सिंह जैसे सितारे उनसे आगे निकल गए। इन फिल्मों की असफलता ने रणबीर को भी झकझोर दिया है और अब वे कमर्शियल फिल्मों पर फोकस कर रहे हैं। इसी कारण उन्होंने यशराज फिल्म सकी शमशेरा और लवरंजन की अगली फिल्म साइन की है। रणबीर ने जब अपना करियर शुरू किया था तब माना गया था कि वे खान त्रिमूर्ति को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब एक बार फिर वे खान्स को टक्कर देने के मूड में आ गए हैं।